अभी अभी बिहार सरकार ICDS निदेशालय की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है, उस पत्र में क्या क्या बातें बताई गई है मैं आपको सारी बातें क्लियर करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार से जो भी लेटेस्ट अपडेट आए मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। मैं रितेश कुमार, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो चलिए लेटर की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस लेटर में क्या क्या जारी हुआ है। तो ये लेटर जारी हुआ है बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय बिहार की तरफ से। संचिका संख्या है 2674, दिनांक 30/4/2021 को ये लेटर अभी अभी जारी हुआ है। लेटर जारी हुआ है अनुसरण पदाधिकारी ICDS निदेशालय की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है और ये सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इनको ये लेटर जारी हुआ है। और लेटर में विषय है, देख सकते हैं यहाँ पे, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली की तिथि विस्तारित करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली की तिथि जो पिछले लेटर में बताया गया था 30/4/2021 तक ही आप लोगों को पूरा कंप्लीट कर लेना था, तो इसी के संबंध में ये लेटर आज जारी हुआ है, यानी कि यहाँ पे तिथि को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए लेटर में आगे हम पढ़ लेते हैं। महाशय, उपयुक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देशित राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार टोकन प्रणाली की तिथि निर्धारित की गई थी। पुनः निर्देशानुसार माह अप्रैल 2021 का पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली की प्रगति प्रतिवेदन अत्यंत धीमी रहने के कारण दिनांक 10/5/2021 तक तिथि विस्तारित करते हुए माह अप्रैल 2021 का पोषाहार वितरण कूपन OTP के माध्यम से ही किया जाए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्वर है वो धीमी रहने के कारण यहाँ पे तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है और ये तिथि है 10/5/2021 तक आपको ये काम कर लेना है। अतः सेविकाओं, महिला पर्यवेक्षिकाओं को निर्देशित करें कि माह अप्रैल 2021 का 100% पोषाहार वितरण कूपन या OTP के माध्यम से ही किया जाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी 100% यानी कि 100% जो वितरण करना है पोषाहार, वो कूपन प्रणाली OTP के माध्यम से ही करना है। देख सकते हैं यहाँ पे अनुसरण पदाधिकारी ICDS का सिग्नेचर भी दिया गया है यहाँ पे। तो एक बात इसमें क्लियर हो जाए कि यहाँ पे जो टोकन प्रणाली का सिस्टम है, जो कि घर घर जाके आपको यहाँ पे पोषाहार राशि बांटना है, तो इस पत्र में जो भी सारी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जो 10/5/2021 तक तिथि विस्तारित की गई है, तो आप लोग टोकन प्रणाली से ही राशन वितरण करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने सभी आंगनबाड़ी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।